الحمد لله الذي نتقت بوحدانيته عجائب جائب مسنوعاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مريم مخترم سامین و ناظرین پیارے پیغمبر صلی اللہ وسلم كِي बयान करदा रमजानदारक की अहमियत और फीलत पर इस हदीस का दूसरा टुकड़ा आप हजरा के सामने पेश किया जा रहा है जिसमें सरकार स्यल्ण स्यल्ण ने ये बात बयान फरमाई कि इब्ने आदम जो भी नेक अमल करता है उसका हर नेक अमल दस गुना से लेकर के सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाते हैं केसु फिन व अन अजीबी के रोजा इस आम कानून से मुस्तस्ना है और बाला तर है क्यों फहीन नी व अन अजीबी इसलिए कि बंदे का रोज़ा ये ख़ास मेरे लिए एक तहफा है और मैं ख़ुद ही जिस तरह चाहूँगा इसका अजर और सवाब दूँगा क्योंकि मेरा बंदा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख़्वाहिहिश नफ्स को दबाता है और खाना पीना छोड़ देता है यदाउ शाहवत वह तो आम हो मिन अजली जो चीज़ें बहालत रोज़ा ममनू हैं, उन तमाम चीज़ों से मेरा बंदा और मेरी बंदी किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं मेरी रजा के खातिर उन तमाम चीजों को तर्क कर देते हैं छोड़ देते हैं। तो इस हदीस में अल्ला रबित ने रोज़ा का बदला और सवाब का आम इबादत के सवाब से इसतना फरमाया और अ के साथ इसूम अर शाह अब्दुल अजीज़ मुहदसदेलवी रहा फरमाते हैं कि हदीस के बाद बादशाह यहाँ पर यह फरमाते हैं कि अल्लाह ने रोज़ा के सवाब को आम इबादत से जो मुस्तना किया है हमें मालूम नहीं है कि रोज़ा की ये खसूसियत किस वजह से है और न ही हमें इसकी कोई जस्तजू करनी चाहिए इसकी फ़िक्र के अंदर पढ़ना चाहिए बल्कि हमारे ऊपर बहसीत मुसलमान ये वाजिब और लाजम है कि बग़ैर किसी शक को शुभा के हम इसकी तस्दीक करें लेकिन बाद महक्कीन ने इसके कुछ असबाब बयान फरमाए हैं कि रोज़े का अजर और इसका जो सवाब और इसकी जो फजीलत है इसका किन वजूहत की, की बिना पर किया गया है इसकी इसबाब क्या हैं तो फिर मैं एक सबब तो ये है कि इसमें रिया का कोई दखल नहीं होता क्योंकि रोज़ा जब कोई आदमी रखता है तो दूसरे लोगों की निगाह से वो पोशीदा होता है जबकि दीगर जितनी भी इबादत हैं उनके अंदर ये वसफ़ नहीं है नमाज है ज़कात है हज है सद का है ये तमाम की तमाम इबादत किसी न किसी तरीके से दूसरे लोगों के सामने आ जाती हैं लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसका इलम या तो रोज़दार को हुआ करता है या फिर अल्लाह तबारक व ताल को लिहाजा रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तैयार के लिए होता है और इसमें रिया और नुमाइश का कोई अमल दखल नहीं होता रोज़ा वही इंसान रखेगा कि जिसको अल्लाह तबारक वाली का डर होगा और रोज़ा रख करके रोज़े को फिर वही इंसान बाकी रखेगा कि जिसका मकसद अल्लाह तबारक वाली की रजामंदी और उसकी खुशनुदी का उसूल होगा अगर कोई शख्स रोज़ा रख ले और रोज़ा रखने के बाद जा कर के तनाई में खाना खा ले पानी पी लें और लोगों के सामने आ जाए तो किसी को मालूम नहीं होगा कि इसने रोज़ा खाया है या नहीं खाया लेकिन वो अल्लाह का खौफ होता है डर होता है कि घर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं फ्रिज भरा हुआ होता है नेमतों के साथ और प्यास लगी हुई है ठंडा पानी और मशरूबात फ्रिज के अंदर पड़े होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो न खाता है न पीता है इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी की खातर जो है वो रोज़ा रखता है इसलिए अल्लाह रब फरमाते हैं इन उली के मेरे बंदे का रोज़ा खालस मेरे लिए क्योंकि रोज़ा कोई अपने लिए सूरत नहीं रखता वजूद नहीं रखता जबकि दूसरी इबादतें जो हैं वो अपने लिए वजूद भी रखती हैं और सूरत भी रखती हैं दूसरा सबब रोज़ा के मखसूस होने का अल्लाह रबुल इज़त ने जो उसको अपने साथ महसूस किया है ये बयान फरमाया कि रोज़ा में नफ्सकशी और जिसम और बदन का हलकान और नुकसान है रोजेदार को भूख और प्यास की बसा औकात शदी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है मगर वो इन पर सब्र करता है भूख भी बर्दाश्त करता है प्यास भी बर्दाश्त करता है जबकि दीगर इबादात में अपनी ख्वाहिश नफ्स और तबीयत पर इतना जबर नहीं है और न इतनी तकलीफ़ और मशक्क़त है इसलिए अल्लाह रबली फरमाते हैं यह मेरा बन उन तमाम चीज़ों को जो रोज़ा की हालत में ममनू है छोड़ देता है। तीसरा सबब बाज़रात ने यह बयान फरमाया है कि रोज़ा ही वह इबादत है कि जो अयाम जाहलीत में भी आहले अरब के हाँ सिर्फ अल्लाह तबारक वाली की रज़ा के लिए मखसूस थी अल्लाह ताला के साथ दीगर इबादत में वो अपने बुतों और मोतियों को भी शरीक करते थे और उन्हें भी मुश्किल कुशा और हाजत रवा और नफा नुक़सान का मालिक समझते थे गैर के नाम पर सदे भी करते थे कुर्बानियाँ भी देते थे और चढ़ावे भी चढ़ाते थे मगर रोज़ा में अल्लाह के साथ किसी को शर्क नहीं करते थे और सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़े रखते थे इसी तरीके से इस वजह से भी रोज़े का इसतना किया गया है कि अल्लाह फरमाते हैं कि लिकुलआमल कफ़ारत व सोमोली व अन अजीबी कि हर अमल का कफ़ारा है लेकिन रोज़े का कफ़ारा नहीं इसलिए कि रोज़ा जो बंदे का है ये खालिश मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर और इसका बदला दूँगा जितने भी आमाल करेंगे उन अमाल का बदला दस गुना से ले करके सात सौ गुना तक पढ़ा बढ़ा, बढ़ा दिया जाएगा लेकिन फरमाए के जो रोज़े का अमल है ये किसी आदत का महताज नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक ताला बगैर अदद के बगैर शुमार के जितना चाहेंगे इसको अपनी शान के मुताबिक इसका, इसका अजर और इसका सवाब जो है वो बढ़ा देंगे इसलिए कि रोज़ा जो है इसका ताल्लक सब्र के साथ है और फरमाया नमायस व ना हम बैर हिसाब के सब्र करने वालों का जो अजर है उसका कोई हिसाब नहीं है सरकार दो आलम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये महीना सब्र का महीना है फरमाया कि शाहरुस सब्र रमज़ान मुबारक का महीना ये सबर का महीना है और एक में फरमाया कि सलासत शहर इन सोम्दार के हर महीने के अंदर तीन दिन रोज़े रखना ये ऐसा है कि गोया उसने पूरा ज़माना जो है वो रोज़े के अंदर गुजारा तो रमजान मुबारक का महीना सबर का महीना है और रोज़े का ताल्लक सबर के साथ है और फिर फरमाया कि सबर की फिर तीन किस्में रहें एक सब्र है अल्लाह की अतहात के ऊपर सबर करना और दूसरा है जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है महारमिल्ला उन से उनके ऊपर सब्र करना और तीसरा है जो अल्लाह रबलत ने अकदार मकर कर दिए हैं जो तकदीर के अंदर जो चीज़ें लिख दी गई हैं उसके ऊपर सब्र करना और रोज़े के अंदर ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं कि इसके अंदर अल्लाह की अत के ऊपर सब्र है और महारमिल्ला से भी सब्र है और इसी तरीके से जो अकदार हैं फरमाए कि उसके ऊपर भी सब्र है तो इस अतबार से भी अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया कि फरमाए केफ़िल्सोम फ़ैन होली व अन अजीबी के रोज़ा जो है इस आम कानून से मुस्तस्ना है इसी तरीके से सुफ़ियान इब्न इब्नबी रहमतुल्लाह रह्म ला फरमाते हैं कि जब क्यामत का दिन होगा

तो दूसरों के हक़ की अदायगी के लिए उसकी नेकियां जो है वो बदले में दी जाएंगी जब सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी रोज़ा रह जाएगा तो फरमाया कि रोज़ा जो है वो किस बदले के अंदर नहीं दिया जाएगा बल्कि अल्लाह तबारक व ताली इस रोज़े की वजह से उस आदमी की मफरत फरमा देंगे और उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे इसलिए कि रोज़ा बंदे का ये सिर्फ़ उसके रब के लिए और इसी तरीके से रमाय के ये रोज़े का जो इसना किया गया है उसकी वजूहत में से एक वजह यह है कि अल्लाह तबारक वाले रोजी की वजह से रोजेदार को अपना दीदार नसीब फरमाएंगे सलेमान दुर्रानी फरमाते हैं कि उन्होंने एक दिन गर्मी के दिनों के दिनों में से एक दिन रोजा रखा भूख और प्यास को बर्दाश्त किया और फिर उसके बाद वो सो गए तो उन्होंने नींद के अंदर किसी कहने वाले को ये कहते हुए सुना अमी का हाजअी नारिन कि क्या तुम जो है अपने रोज़े का सवाब एक हजार दीनार के बदले में मुझे दोगे बेचोगे तो उन्होंने अर्ज किया कि नहीं मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम मैं इसको नहीं बेचूंगा तो सवाल करने वाले ने फिर पूछा कि किस चीज के बदले में तुम अपने इस रोजे का अधर और सवाब बेचोगे तो उसने कहा कि मैं इसका अजर वब नहीं बेचूंगा दुनिया और, और दुनिया के अंदर जो कुछ है सब कुछ मुझे मिल जाए तो उसके बदले में भी मैं नहीं बेचूंगा लेकिन एक चीज है कि जिसके बदले में मैं इस रोज़े का अजर ववाब बेचूंगा और वो है अपने रब की तरफ निगाह करना अपने रब का दीदार करना तो उसे कहा गया कि फिर तुम जो है रोज़ा रखो और इनशा तुम अल्लाह रब्ज़त का दीदार करोगे तो बहर हाल रोजेदार को रोज़ा की बरकत से अल्लाह रब्लत के हाँ ये एज़ाज़ हासिल होता है कि गोया अल्लाह तबारक व ताला रोजेदार का अपना हो गया और जिस शख्स को अल्लाह मिल जाए अल्लाह जिसका अपना हो जाए तो फिर न तो वो दुनिया में नाकाम हो सकता है और न खबर के अंदर अज़ाबी मुब्त हो सकता है और ना वो आखरत के अंदर नाकाम हो सकता है अल्ह इज़्ज़त हमें सही मानों में उसकी रज़ा और उसकी खुशनूदी हासिल करने की खातिर तमाम आमाल करने और रमज़ानबारक के रोज़े रखने की तोफ़ी नसी फरमाए सुनता